हेलो एंड वेलकम बैक टू एडुकेशन गाइस। मेरा नाम है अर्पित एंड गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास टेंथ के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट टू वीडियो की, है ना, जो कि है ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो गाइस इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आपने नहीं देखा है तो आप ये आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, है ना। पार्ट वन में गाइस हमने बातें की थी किसकी, हमने बात की थी केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल इक्वेशंस की, कि कैसे केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है, एक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या उसमें हमें जो स्टेट्स होती हैं फिजिकल स्टेट्स वो रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं और उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, है ना गाइस। तो ये सब हमने देख लिया है पार्ट वन में, तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं, और नहीं आता है तो पहले आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लें, है ना गाइस। साथ ही साथ अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाओ ना, उसको दबाओ, नोटिफिकेशन है घंटी दबाओ, ठीक है कि नहीं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट इस वीडियो का जो कि है ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो गाइस जो आज जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इसमें हम मेनली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस रिएक्शन क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि जब भी दो प्रोडक्ट होते हैं, जब भी दो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और एक कम्प्लीटली नया आइटम बनाते हैं, थर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक रिएक्शन हो गई है ना। और उसको हम जब लिखते हैं तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है भाई, है ना। तो अब गाइस कितने टाइप से ये जो प्रोडक्ट टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं, कितने टाइप से ये रिएक्टेंट मिल सकते हैं, है ना, वो आज हमें इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस कुछ चार हमारे पास मेन रिएक्शंस होती हैं, तो उसमें से जो सबसे पहली रिएक्शंस हमारे पास आ रही है वो है गाइस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, है ना, NATIONation। ओके, भारत माता, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है गाइस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो वैसे नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है गाइस, जोड़ देना, है ना, कंबाइन मतलब गाइस जोड़ देना। तो बेसिकली जब भी दो रिएक्टेंट सिंपली कंबाइन हो जाते हैं और थर्ड प्रोडक्ट बना लेते हैं उसका हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको फटाक से, जैसे कि हमारे पास है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, अब है CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, QYC के क्विक लाइम, जल्दी नींबू, है ना, क्विक लाइम है हमारे पास। क्विक लाइम जब रिएक्ट करेगा पानी के साथ H2O, है ना, ओके, तो H2O के साथ ये करेगा तो गाइस हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, है ना, CaOH2, है ना, ओके। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इनकी स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो CO क्या है, सॉलिड है, H2O क्या है हमारे पास, लिक्विड है, पानी तो लिक्विड ही होगा ना, गैस में भी होता है पर यहाँ लिक्विड है, ओके। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे, ये एक्वस है, है ना, ये एक्वस फॉर्म है, ठीक है गाइस, ओके, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको अपन स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, SLAKED, स्लैग्ड लाइम, ठीक है गाइस, ओके। तो क्विक लाइम ने रिएक्ट किया पानी के साथ और बना लिया स्लैग्ड लाइम। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास एक सिंपल सा कॉम्पोनेंट था ए, वो सीधा सीधा बी से जुड़ा और एक सी बना दिया, है ना, कोई लफड़ा नहीं, सीधे दो जोड़े, तीसरा बन गया, ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना गाइस, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन हमारे पास आ रही है गाइस, वो हमारे पास आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड टाइप है DCOMPO, डीकम्पोजिशन, SITIONडीकम्पोजिशन रिएक्शन, आर एक्शन, है ना गाइस, ये रिएक्शन ही लिखा हुआ है, मान लेना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन गाइस क्या होती है, जैसे कि नाम से हमें क्लियर हो रहा है, आपने वर्ड सुना होगा डीकम्पोज, है ना, तो डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा मतलब कि गाइस जब कोई आदमी या फिर आदमी नहीं, कोई जानवर या चिड़िया मर जाती है तो हम बोलते हैं गाइस वो डीकम्पोज हो रही है, या फिर हम कोई भी जैसे बर्गर वगैरह था या फिर कुछ खाने का आइटम था, हमने उसको ऐसा ज़मीन पे फेंक दिया, तो हम देखेंगे थोड़े दिनों बाद वो टूटता जाता है इनटू सिंपलर कॉम्पोनेंट्स, है ना, एकदम टूटता जाता है और हमें एक दो महीने बाद तो वो दिखेगा भी नहीं कहाँ चला गया, तो हम क्या बोलते हैं गाइस वो डीकम्पोज हो गया, है ना। तो गाइस डीकम्पोज का सिंपल मीनिंग होता है ब्रेकिंग इनटू स्मॉल कॉम्पोनेंट्स, है ना, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल सिंपलर कॉम्पोनेंट्स इज नोन एज डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो कोई सेम यहाँ पे भी होता है हमारे पास, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एक मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, हमारे पास है फेरस सल्फेट FeSO4, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे FeSO4, है ना, FeSO4, ये क्या होता है फेरस सल्फेट FeRROUSSULPHATE सल्फेट। अब गाइज अगर आपको एक केमिकल वगैरह नाम याद ना हो रहे हो तो गाइज आप हमारे ये जो इंस्टाग्राम पेज है एडुकेशन का, इसको फॉलो कर सकते हैं गाइज, इसमें हम ऐसे कई सारी फॉर्मूला जो लिस्ट है, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये हम इस पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, पेज नेम है एडुकेशन _, है ना गाइज, ओके। तो फेरस सल्फेट हमारे पास है यहाँ पे, फेरस सल्फेट का क्या होगा, स्टेट सॉलिड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉलिड, ओके। ऑन हीटिंग
ऑन हीटिंग। अब मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई हीट करते हैं या टेम्परेचर रहते हैं तो उसको हम गिव्स आउट के ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन हीटिंग, है ना। ऑन हीटिंग गिव्स आउट Fe2O3, ये होता है गाइस फेरिक ऑक्साइड, FeRRIC फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, है ना। तो गाइस ये जो SO2 है ये भी गैस है, जो SO3 है ये भी गैस ही है ना गाइस। ओके, तो हमें क्या मिला, फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो हमें मिला फेरिक ऑक्साइड, है ना, और हमें साथ में मिला साथ में मिला सल्फेट गैस, ठीक है गाइस। SO2 और SO3 हमको गैस में मिल गई। तो अब मैं गाइस अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि FeSO4 जो था ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, तो अब ये बैलेंस हो गई है, हाँ बिल्कुल बैलेंस हो गई है। ओके, तो यहाँ मैं 2 लगा दिया तो मुझे दिखेगा गाइस कि FeSO4 टूट गया Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में, है ना। मतलब क्या गाइस, मतलब ये कि हमारे पास सीधा सीधा एक कंपाउंड था वो टूट गया दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में, बी प्लस सी प्लस डी में, है कि नहीं। तो गाइस ऐसी कोई भी रिएक्शन होती है जहाँ एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में टूट जाता है तो उसको मैं सिंपली बोल सकता हूँ गाइस क्या है, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। इसको अगर ये आपको रिएक्शन टफ लग रही हो तो एक थोड़ी ईजी रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर, उसको हम बोलते हैं CaCO3, है ना, CaCO3 हमारे पास है। यहाँ पे CaCO3 को अगर मैं हीट करूँगा, इसको भी मैं अगर हीट करता हूँ, ये भी क्या है गाइस सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, है ना। और चाहो तो आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो, है ना, कैल्शियम CiUm कैल्शियम कार्बोनेट। तो गाइस ये जो लाइमस्टोन है ना, यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम, और ये इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम, या फिर आप IUPAC नेम या कुछ भी बोल सकते हो, साइंटिफिक नेम एक टाइप से, ठीक है गाइस। ओके, जैसे हमारे घर पे नाम नहीं होते, जैसे कि मेरा किसी किसी टुन्नू उन्नू चुन्नू है कि नहीं, तो यह घर का नाम है, हमारा बोलता है पैट नेम या फिर निक नेम, तो सेम चीज़ यहाँ पे जो लाइमस्टोन है कॉमन नेम है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, ठीक है गाइस। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जब उसको हीट करते हैं तो गाइस हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको अभी हमने ऊपर बनाया था ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्विक लाइम, ये है CaO, ठीक है गाइस। तो हमें मिलता है CaO प्लस CO2। तो गाइस CaO तो क्या होता है, सॉलिड होता है, अभी ऊपर भी बताया था, ये देखो सॉलिड लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया क्विक लाइम, QUICK क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है जो कि गैस फॉर्म में होती है। तो अगेन गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, अकेला एक कंपाउंड था जो कि था CaCO3, वो टूट गया दो कंपाउंड्स में, बी प्लस सी। तो गाइस ये किसका एग्जांपल हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की जो सिंपली डेफिनेशन होती है वो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इंटू टू और मोर कॉम्पोनेंट्स इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और फिर नीचे आप दो एग्जाम्पल लिख दो, बहुत है और क्या चाहिए, ठीक है। ओके गाइस बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो कि हमारे पास आ रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइस अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, पहले हेडिंग डाल लूँ ज़रा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर रिएक्शन। ओके, तो अगेन गाइस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपने एक फिजिक्स में वर्ड होता है, आपने फिजिक्स में सुना होगा, क्लास 9 में आपने मोशन पढ़ा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चलना, है ना, इधर से उधर चल जाना, इसका हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उससे ज़्यादा रिलेशन तो नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा उसका रिलेशन अपन मान सकते हैं। तो गाइस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक केमिकल एक कंपाउंड है और एक हमारे पास दूसरा एलिमेंट उससे रिएक्ट करता है, तो वो दूसरा एलिमेंट क्या करता है, जाके कंपाउंड में से एक एलिमेंट को खिसका देता है और उसकी जगह पर खुद जाके बैठ जाता है, है ना। तो उसको उसने क्या किया, दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ बहुत प्यारा, आपने कभी जैसे अगर मैं आयरन लूँ, है ना, Fe, है ना, अगर मैं लोहे की कील लेता हूँ और उसमें डाल देता हूँ गाइस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने लोहे की कील ली उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिला दिया जो कि एक्वस फॉर्म में था, है ना। तो गाइस मुझे क्या मिल जाता है, धीरे 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 क्या होता है गाइस, ये जो Fe होता है ना ये धीरे से जाता है और CU को उड़ा देता है, यहाँ से CU को उड़ा देता है और अलग कर देता है, खुद जाके ऐसा फोर के साथ चिपक जाता है, ठीक है। तो गाइस मुझे यहाँ पे मिल जाता है FeSO4 और CU अब बाहर निकल जाता है,
प्लस Cu, Cu सॉलिड फॉर्म में अलग बाहर निकल गया है ना गाइस। तो Fe ने क्या किया, Fe ने कॉपर सल्फेट में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको मैं गाइस क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल था है ना, बस यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप धीरे धीरे देखेंगे गाइस, हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो ऐसे टर्न हो जाता है। फेरस सल्फेट का सोल्यूशन ऐसा होता है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कुछ इस कलर का होता है, ठीक है। जो धीरे धीरे जो आयरन नील होती है ना गाइस, उस पर जो कॉपर होता है वो वहाँ से निकलता जाता है ना गाइस। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस इसका एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्या करते हैं, अब हम जिंक ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं गाइस सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जिंक हमने लिया, इसमें इसको अब डाल देते हैं कॉपर सल्फेट में, इसको कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन में हम इसको डुबा देते हैं। तो अब हमको क्या मिलेगा गाइस, सेम चीज़ होगी, सेम चीज़ फिर से कॉपर के साथ धोखा होगा। क्या जिंक जाएगा चुपके से कॉपर को फिर से उचका देगा और खुद सल्फेट के साथ जाके बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसा हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी अक्सर होता रहता है, कई दो लोग रहते हैं साथ में, फिर एक तीसरा बंदा आता है, एक को भगा देता है, वो उसके साथ हो जाता है ना। ओके, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है गाइस, कुछ ऐसी बात है। जिंक सल्फेट हमको यहाँ पे मिल जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, है ना, कॉपर बाहर निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ओके, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ना। कई लोग इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि बस एक एलिमेंट ने आके एक एलिमेंट को हटा दिया, तो इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बस बोल देते हैं, है ना गाइस। ओके, तो अब हमारे पास जो अब अगली रिएक्शन आती है वो सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट से, बस अंतर यह है गाइस, ये क्या थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगली रिएक्शन को हम बोलते हैं गाइस डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस इसको अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपसे ऐसा समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक लड़का लड़की का पेयर था, ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। मैं लड़की कैसे बनाऊँ, ये फ्रॉक बना देता हूँ उसकी, ओके ठीक है, ये लड़की है, ओके। और अगेन एक हमारे पास दूसरा पेयर था, तो ये उसमें लड़का है और ये उसमें लड़की है, ठीक है गाइस। तो हुआ क्या, हुआ क्या, इस कपल, ये जो कपल था, इसके लड़के में और इस लड़की में इंट्रैक्शन हुआ, और इस कपल की लड़की और इस लड़के में इंट्रैक्शन हुआ। तो गाइस हमको क्या मिला, हमको कुछ ऐसा देखने को मिला, हमको इस कपल का लड़का मिला और इस साइड वाली लड़की मिल गई, ठीक है गाइस। ओके, ये इसकी फ्रॉक है, ठीक है। और साथ साथ में हमें एक दूसरा कपल देखने को मिला, नया कपल, जिसमें हमें ये लाल वाला लड़का देखने को मिला, है ना, और साथ में नीली वाली लड़की देखने को मिली। ओके गाइस, तो ये क्या हुआ, दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के कपल्स स्वैप कर लिए, ठीक है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो उसको मैं बोल सकता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना गाइस। तो यही हम केमिकल रिएक्शन में डाल देते हैं तो हो जाएगा, क्या हो जाता है, आप उसको ऐसे समझने की कोशिश की, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं केमिकल ले लेता हूँ, थोड़ी सी ईजी हम रिएक्शन यहाँ पर लेते हैं आपके लिए, चलिए ठीक है यही लेते हैं। Na2SO4 हमारे पास था, Na2SO4, है ना, इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराई बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से, है ना। तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट, यहाँ लिख देता हूँ मैं सोडियम सल्फेट, और ये है हमारे पास बेरियम क्लोराइड, BARIUM बेरियम CHLORID क्लोराइड। ओके, तो अब जैसा यहाँ पे हुआ ना गाइस, सेम चीज़ होने वाली है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो Na है ना, Na क्या करेगा, Na जाके कपल कर लेगा Cl के साथ, और जो Ba है वो कपल कर लेगा अपने आप को सल्फेट के साथ, है ना। मतलब बेसिकली सोडियम क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा और बेरियम सल्फेट को यहाँ से निकाल देगा। तो हमें देखने को मिलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल धमाका, ठीक है। तो हमें जो मिलेगा गाइस, क्या मिलेगा, NaCl2 प्लस BaSO4, हमें यहाँ से ये BaSO4 देखने को मिल जाएगा, है ना, प्लस ये आ गया BaSO4, है ना, BaSO4। तो गाइस ये हमको देखने को मिली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऊपर क्या हो रहा था, एक ही हो रहा था, बट यहाँ पे दोनों केमिकल्स, दोनों कंपाउंड्स होंगे और एक एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या गाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनकी मैं स्टेट्स लिख देता हूँ, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी, है ना, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, तभी तो हमें नंबर मिलेंगे पूरे बोर्ड्स में भाइयों मैडम, है ना। ओके, तो यहाँ पे मैंने इनकी स्टेट्स लिख दिए हैं, एक्वस फॉर्म है, और ये क्या है गाइस, ये भी एक्वस फॉर्म में ही होता है, है ना। तो ये क्या मिला गाइस मुझे, इसको हम बोलते हैं NaCl। अब गाइस यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, ये NaCl2 नहीं होता है, ये होता है गाइस NaCl, है ना, NaCl। तो इसको मैं बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दूंगा, है ना, ये नमक होता है, NaCl नमक होता है ना गाइस। ओके ओके, तो ये क्या है गाइस, हमारे पास सॉल्ट है ना, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, CHLORID, सोडियम क्लोराइड। और यहां पे हमें क्या मिला गाइस, BSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम
सल्फेट, SulPHAT, सल्फेट है ना गाइस। तो ये हमारे पास एग्जांपल था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ओके ओके गाइस, तो ये तो हमारे पास हुई चार मेन रिएक्शन में आपको बताई है ना। क्या क्या बताई मैंने आपको, सबसे पहले मैंने आपको गाइस यहाँ पे बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कहाँ गया कॉम्बिनेशन भाई, हाँ सबसे पहले बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद बताया डीकम्पोजिशन, उसके बाद बताया डबल, उसके बाद बताया डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट में बताई डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये तो चार मेन टाइप की हो जाती हैं। एक स्पेशल टाइप भी हमारे पास आता है, जिसको हम बोलते हैं गाइस क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है गाइस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये क्या बला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, तो अब हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लाइन सीधी नहीं खींच रही है, ओके हाँ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, नीचे वहां पे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा गाइस, इसको प्लीज प्रेस करें अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस के अपडेट रेगुलर मिलते रहें, और अगर आप चाहते हैं आपको नोटिफिकेशन भी साथ में मिले, तो भी आप चाहें तो उस बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप मेरा अगला वीडियो देख पाएंगे है ना, अपने नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। ओके गाइस, तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो गाइस बहुत सिंपल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैं आपको ईजिली समझाता हूँ। ऑक्सीडेशन का सिंपली मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना। अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो हम बोलते हैं वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया है ना। और वहीं पे उल्टा जस्टिस का, अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो हम बोलते हैं गाइस वो क्या हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है ना, वो रिड्यूस हो गया है। तो गाइस इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत प्यारा आपका एग्जांपल बताता हूँ मैं है ना। तो क्या है प्यारा एग्जांपल, अगर मैं CuO ले लेता हूँ है ना, कॉपर ऑक्साइड में ले लेता हूँ, और उसकी रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्रोजन से, अबे प्लस बन जा, हाँ उसकी रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्रोजन से, तो गाइस मुझे यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CU और ये H2 और O कनेक्ट हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा प्लस H2O है ना गाइस। तब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें गाइस, ध्यान से देखें, तो यहाँ पर CU के पास ऑक्सीजन था, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, बट प्रोडक्ट साइड में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो क्योंकि उसने लूज किया है तो यहाँ पे उसका क्या हो गया गाइस, उसने ऑक्सीजन को लूज किया है तो उसका हो गया रिडक्शन, RDUCTION है ना, बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन लूज किया तो रिडक्शन। और उल्टा देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ पे बस इसके पास ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हो गया गाइस, इसका हो गया बल्ले बल्ले नहीं है ऑक्सीडेशन है ना। तो इसने ऑक्सीजन को ऐड किया है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन है ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। गाइस ऑक्सीडेशन का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि हम खाना वगैरह कभी खुले में छोड़ देते हैं तो खाना जो खराब होने लगता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। इसका एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ, एक आपकी बुक में क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को पहले रब क्यों करना पड़ता है जलाने से पहले। तो होता क्या है गाइस, जो मैग्नीशियम रिबन रहता है ना हमारे पास कुछ इस टाइप का, उसके ऊपर क्योंकि वो हवा में रखा रहता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो कुछ ये रिएक्शन बन जाती है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, हाँ ये वाली जो रिएक्शन आप देख सकते हैं गाइस, ये वाली रिएक्शन हो जाती है, Mg+O2 गिव्स आउट MgO। हमारे पास जो क्या होता है गाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के कारण वो जलता नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं उसको कपड़े से अच्छे से पोंछते हैं जिससे वो ऑक्साइड क्लियर हट जाए है ना। तो गाइस ये एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, बेसिकली ऑक्सीजन ऐड हुआ उसका ऑक्सीडेशन हो गया है ना गाइस। ओके तो इसमें मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन के। हाँ एक चीज़ और देखिए, ये हुआ ऑक्सीडेशन और ये हुआ रिडक्शन है ना, ज़रूरी नहीं होता गाइस कि हमेशा साथ में हो दोनों, हो सकता है अकेला ऑक्सीडेशन भी हो जाए। जैसे कि क्या, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ, अगर मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ और सिंपली उसको ऑक्सीजन में रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे मिलता है MgO, ये बैलेंस्ड नहीं है, तो गाइस यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं, बैलेंसिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई हुई है आप देख सकते हैं। ओके तो यहाँ लगा देते हैं 2, तो गाइस ये बैलेंस हो गई हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसके पास मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है, तो बेसिकली ये ऑक्सीडाइज हो गया है ना, ये क्या हो गया गाइस, ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पे है ना। मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से बना देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कुछ लोग कि ये क्या हो गया, ये हो गया गाइस ऑक्सीडाइज है ना, ऑक्सीडाइज है ना। तो गाइस ये कैसी रिएक्शन है, इसको मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन DATION ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ है प्लस रिडक्शन भी हुआ है ना,
दोनों साथ में हुए हैं, तो गाइस मैं इन दोनों को वर्ड को क्लब करता हूँ है ना, और इनको मैं बोल देता हूँ रेड, लेता हूँ उसका ऑक्स, लेता हूँ उसका, तो इनको गाइस हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। तो गाइस रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेसिकली, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है उनको हम बोलते हैं, उनको हम बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है ना। तो गाइस यहाँ पे देख रहे होंगे आप रेडॉक्स लाल कलर का, और नीचे सब्सक्राइब बटन भी लाल कलर का है ना, तो उसको प्रेस कर देना। ओके तो ये है गाइस क्या रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास आ गई है। ओके तो डेली लाइफ में हम लोग ये ऑक्सीडेशन तो देखते ही रहते हैं। जैसे सबसे इसका कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो वो है गाइस जंग लगने का। जैसे कि हमारे पास जो लोहे की दीवारें होती हैं, जो हमारे पास लोहे की वो होती हैं इमारतें, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ गाइस यहाँ पे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये इमारत बन रही थी हमारे गेम में, तो ये जो चीज़ है अब आगे बढ़, हाँ ये आप देख सकते हैं गाइस कि इस पर ये जंग लगा हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। तो ये क्या है गाइस, जो कोरोजन होता है बेसिकली, कोरोजन ऑक्सीडेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन जब हमारे लोहे को मिल जाता है तो वो क्या होता है, उस पर ये रस्टिंग चालू हो जाती है, उस पर ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है, वो करोड हो जाता है कि नहीं। तो ये एग्जांपल है कोरोजन का। तो गाइस यहीं पे हमारा जो अगली हेडिंग है वो यही थी गाइस, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो एक कोरोजन क्या होता है बेसिकली, कोरोजन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, मॉइस्चर के प्रेजेंस में जब लोहे को हम आयरन को मॉइस्चर के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक्सपोज करते हैं तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है गाइस, करोजन चालू हो जाता है, एक रस्ट फॉर्मेशन चालू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग या फिर करोजन है ना गाइस, जो आपको ये सामने दिख रहा होगा ये ब्राउन कलर कैसा रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। एक चीज़ और बचती है गाइस हमारे पास, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी, एसिडिटी नहीं है गाइस, रेंसिडिटी है। तो ये रेंसिडिटी क्या होती है गाइस, तो वो भी आप देख लीजिए, रेंसिडिटी। ओके गाइस रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है गाइस हमारे पास, कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो खाना है उसका टेस्ट अजीब सा आ रहा है कि नहीं, या फिर उसमें अजीब सी स्मेल आ रही है, ठीक है नहीं, बेसिकली अपन बोलते हैं ना खाना ख़राब हो गया है, तो गाइस यही होती है रेंसिडिटी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो आपको गाइस, रेंसिडिटी की डेफिनेशन होती है व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड द स्मेल एंड द टेस्ट चेंजेस है ना। मतलब क्या होता है गाइस, हमारे पास जो खाना होता है ना, तो उसमें क्या होता है, फैट्स और ऑयल्स तो होते हैं, फैट्स या फिर ऑयल वगैरह तो होते हैं। अब जब ये ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब ये ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो बेसिकली कोरोजन और रेंसिडिटी किसके एप्लीकेशन है, ऑक्सीडेशन के है ना। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो इनकी जो होती है गाइस स्मेल चेंज हो जाती है, इनका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगता है ना, तो गाइस उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। हिंदी में हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं खाना खराब हो गया है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, रेंसिडिटी। इसका बहुत सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो लेस से सबको बड़ी दिक्कत रहती है, सब बोलते हैं यार ये लोग इतनी हवा भर के क्यों देते हैं, है ना, हवा के पैसे थोड़े दिए। गाइस आप लॉजिकली समझिए उस बात को, होता क्या है, मैं मानता हूँ हवा ज़्यादा भरते हैं, बट अगर उस चिप्स के पैकेट में वो हवा नहीं भरेंगे, वो बेसिकली नाइट्रोजन होती है, वो उसको इसलिए भरा जाता है ताकि वो खाना जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। अब आप कुछ लोग बोलेंगे ऑक्सीजन नहीं भर देते, अरे अगर ऑक्सीजन ही भर देते तो वो खुद ही ऑक्सीडाइज नहीं कर देता, फिर तो मतलब यूज़ ही क्या हुआ उसमें हवा भरने का। तो हम ऑक्सीजन नहीं भरते हैं चिप्स के पैकेट में, हम भरते हैं नाइट्रोजन है ना, क्योंकि नाइट्रोजन उस चिप्स को या फिर कुरकुरे को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है और वो लंबे टाइम तक पैकेट में अच्छा बना रहता है ना। तो आपको एक नया फैक्ट पता चला यहाँ से गाइस है ना, तो हम ताकि रेंसिडिटी रोक सकें इसलिए हम उसमें गैस भर देते हैं जो कि नाइट्रोजन होती है ना। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैंने आपको चैप्टर का ये जो पार्ट टू था इसमें आपको किसने टाइप की रिएक्शन होती है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं जिसमें हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और जो हमारे पास एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है वो हम आपको देने वाले हैं। तो आप वो वीडियो देखना चाहें तो यहाँ आई बटन से भी देख सकते हैं, और चाहें तो नीचे अभी आपके पास एक टैब आएगा, आप उससे भी देख सकते हैं, है कि नहीं। ओके गाइस तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एडुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको केमिस्ट्री समझने में बहुत दिक्कत आ रही है ना। और साथ ही साथ अगर गाइस आप मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन में से लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी करेंगे, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे SMS कर सकते हैं कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है ना, तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी शेड्यूल कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।